सूजी के लड्डू बनाते हैं, कैसे बनते हैं देखते हैं। सूजी हम थोड़ी सी आधी किलो करीब सूजी ले रही है जो भूज लेते हैं, उसको अच्छे से हल्का हल्का भूजेंगे, इतना ज़्यादा नहीं भूजेंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है, शुद्ध देसी घी। और जब तक भूजेंगे लाल नहीं होने देंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन हो जाए बस इतना भूजेंगे हल्का। और इसमें थोड़ा 5 मिनट तक और भूजेंगे इसको। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, देखिए ताकि मैं आगे नई नई वीडियो लेकर आऊँ। अब मैंने इसको अच्छे से भूज लिया, अब इसमें मलाई डालूँगी। ये मैंने मेवा डाली है, इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं। आपकी इच्छा हो तो आप कितना भी डाल सकते हो, ये तो आपकी इच्छा है। मैंने खरबूजे के बीज डाले हैं, बादाम डाले हैं थोड़े ये, और चिरौंजी डाली है। अब इसमें थोड़ा भूंजिए, अब इसको अच्छे से भूंज जाने दिए, अपने ड्राई फ्रूट भी भूंज जाएंगे। भूंजने के बाद इसमें हम 2 चम्मच मलाई डालेंगे। अब ये मैंने मलाई डाली है, मलाई तो आपके ऊपर है, आप जितना डाल सकते हो। 2 चम्मच डालिए या 3 चम्मच डालिए, जब तक अच्छे से मलाई से और स्वाद आता है। ये मैंने मलाई से ही बनाया है। मलाई जब तक भूंजिए अच्छे से, घुर ना जाए उसमें, घुरने से एकदम मेल्ट हो जाएगी। जब तक बनाए उसको भूंजते रहिए। ये देखिए हमारी मलाई घुरने लगी है, तो देखिए भूंजिए। अब भूंजते हम इसमें वो डालेंगे, अब नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने से इसमें और सॉफ्ट हो जाएगा, और मतलब देखने में अच्छा लगेगा, खाने में उसका स्वाद आएगा। नारियल का बुरादा आप जितना मर्जी डालिए, मतलब एक से मैंने 2-2.5 चम्मच डाला है, आप चाहें तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसमें जब तक ये हो गया है, मेरा बन के तैयार हो गया है अच्छे से, अभी ये गीला दिख रहा है, इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ये मैंने बूरा डाला है, आप चाहो तो पीसी चीनी भी डाल सकते हैं, इसमें बूरे से जल्दी हो जाएगा, चीनी पीस के डाल सकते हैं। बूरे को मैंने आप जब तक ये घुरेगा अच्छे से, अब इसको हम 5 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। ये देखिए हमने ढक दिया है, तो 5 मिनट ढकने के बाद फिर खोल के देखते हैं, इसका थोड़ी सूजी फूल गई। ये देखिए हमारा सूजी फूल गई है, लड्डू बन रहे हैं इस तरीके से। अब ये लड्डू बनने लायक हो गई है सूजी, अब लड्डू बनाएंगे। अब इस तरीके से लड्डू बन रहे हैं, अब एक एक करके ये देखिए मेरे लड्डू कैसे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।